गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी विभाग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। चलो आज की वीडियो में लेकर आई हूं, मैं तीन ब्लश ले आई हूं जो मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे हैं। ये हैं जिनमें से दो टिंटेड हैं। ओ माय गॉड, टिंटेड वाले तो इनके बारे में तो बात ही मत करो यार, क्या ब्लश है। मैं जब इनको यूज करती हूँ तो मुझे लगता है यार इनको मैंने पहले क्यों नहीं लिया। मेरे पास, मैं सच बताऊं, मैंने कुछ, चलो ठीक है मैं बताती हूँ, सस्पेंस क्या रखना है, चलो बताती हूँ। मैंने दो टिंटेड लिए हैं, एक मेरे पास पाउडर ब्लश है जो मैं यूज करती हूँ। देखो पूरा मेकअप हो जाता है, जब तक हम ब्लश नहीं लगाते हैं तो हमारा फेस अधूरा लगता है, देख लो बिना ब्लश के। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लश को एज अ ब्लश मैं लगाती हूँ। आई शेडो की तरह भी लगाती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है, जैसे डल है, लिपस्टिक कभी दिखाऊंगी आपको, तो मैं लिपस्टिक की जगह भी इसको लगा लेती हूँ। और ये पाउडर होता है तो लिपस्टिक के ऊपर लगा लेती हूँ, एंड टिंटेड वाला तो माई गॉड मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये दो टिंटेड हैं ब्लश, ओ माय गॉड, इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। कंपैरिजन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि दोनों ही अपनी, अब तो इसको फाड़ देती हूँ यार, मैं बहुत टाइम से रखी थी, मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी जो मैं सच बताऊं, ठंडी हो या गर्मी, मैं इसको फाड़ ही देती हूँ। ठंडी हो या गर्मी, टिंटेड मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगा, बट जो है उनको फेंक नहीं सकते हैं। तो मैं पहले ओपन कर लूं। यस 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 बेबी यस, मेरा नाम है बेबी, निकनेम, ऐसा मत सोचना कि मैंने पहले बताया, मेरे हस्बैंड मुझे बेबी बोलते हैं। ये टिंटेड है, ओ माय गॉड, एलेटीन की है, इतने अच्छे प्राइस में, इतना अच्छा टिंटेड, ओ माय गॉड। ये है टू टाइमिंग्स लिप एंड चीक टिंट। मैं इसको एज अ लिपस्टिक भी लगाती हूँ, बट अभी ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वीडियोस और बनाने हैं, और लगा लूंगी तो फिर कलर जो ड्रेसेस रखे हैं उनसे मैच नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं लगा पाऊंगी, सॉरी, बट मैं आपको यूज करके पूरा दिखाऊंगी। ये है एलेटीन का, जिसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। आपको पता है एलेटीन बहुत कम में, मतलब बहुत अच्छे, बहुत अफोर्डेबल होता है। कभी कभी ना आपके जुबान पे वो वर्ड नहीं आते जो आपको बोलना होता है, तो ऐसे मुझे नहीं, बहुत अफोर्डेबल होता है। एंड ओ माय गॉड, अब मैं इसको ओपन करूँ। अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ। लो, बोला तो इतनी तेज, मैंने यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर रखा था अपना, मैंने उड़ा दिया उसको। यस, दिस इज ब्लश, ओ माई गॉड। थोड़ा सा रेडिश टाइप से है, अगर आप देखोगे, वैसे मैं फेस पे तो अभी पूरा मेकअप की हूँ नहीं तो मैं दिखा देती। मैं इसको दोबारा लगा के दिखा दूँ कहीं और, जैसे मान लो ये आपको जो दिख रहा है थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का, रेडिश टाइप का, बट ये वैसा नहीं हो जाएगा, पूरा पिंक। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो जो पूरा फेस गुलाबी कर देता है ये वो है। मुझे थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा ऑरेंजिस सा लगा, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, इससे ज्यादा तो इसमें लग गया, मैं हाथ से लगाती ज्यादा बेटर था, तो इस ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ऑरेंजिस है, नॉट रेडिस पिंकिस, थोड़ा सा ऑरेंजिस है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अलग लगा। एंड प्राइस के हिसाब से एलेटीन आपको पता है हमेशा वैसे रखता है, जो हर कोई इनका ले सकता है, बजट में रखता, बहुत ही प्यारा है। एंड इसके बाद जो दूसरा है, इसको मैंने, सच बताऊं, ऐसे हमारे टाइम पे एक टॉफी आती थी छोटी सी, मैंने वो सोच के ले लिया था, स्वीट चीक्स करके है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी है स्वीट चीक्स। हाँ, ये मैंने जब ओपन किया एंड इसको मैंने लगाया, ये प्रॉपर सुंदर वाला पिंक जो होता है ना, ये सुंदर वाला पिंक है। एंड इसको मैं आपको हाथ से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इसको जो कहते हैं ना गुलाबी, ये देखो, ये ऐसे है, जब वैसे लगाते तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही है, तो जब ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लेंगे तो आपके गाल पे ना पूरा ब्लेंड कर जाएगा, पूरे आपके चीक्स को अच्छे से बना देगा। एंड सच बताऊं, ये एकदम लाइट सी जो लिपस्टिक लोग लगाते हैं, तो हमको लगता है कौन से लिपस्टिक लगाए हैं। देखो भाई, वेस्ट नहीं जाना है, ठीक है, दैट्स इट। मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया, आप देखो ये ऑरेंजिस है फर्स्ट वाला एलेटीन वाला, एंड दिस इज पिंक, लाइट पिंक। और इसमें जो स्वीट वाला है ना, ये वाला कौन सा, स्वीट चीक्स वाला, इसको मैंने जब पहली बार लिप्स पे लगाया था अपने, तो मुझे लगा था यार इसको मैंने लिप्स पे लगा, मैंने हस्बैंड को नहीं बता, मैंने ऐसे किया था, मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी थी, मैंने हल्का सा ऐसे कर लिया था, बट मैं बताती ना तो मैं बहुत डांट खाती, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। बट इसका कलर जो है वो प्रॉपर पिंक है, एंड बहुत अच्छा वाला पिंक है, ऐसा वैसा पिंक नहीं, बहुत प्यारा वाला पिंक है। तो मैंने इसको इसीलिए मंगाया था, एक तो सच बताऊं मुझे दिखने में बहुत अच्छी लगी, मैं इसको कहीं लेकर गई थी और जब मेरी बैग से गिरी तो किसी ने पूछा इसमें टॉफी है क्या, मैंने बोला हाय मैं यही तो सुनना चाहती थी, रियली मुझे यही सुनना था कि इसमें टॉफी है। तो ये बहुत अच्छी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है, मैंने नायका से ही मंगाए सारे, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है,
बट बहुत अच्छा है, खास करके विंटर्स में हमें क्रीमी प्रोडक्ट ही लगाना चाहिए। मैंने इसको विंटर में भी यूज किया है, समर में भी यूज किया है, आज तो नहीं इसको लगाया है, बट मैं इसको ज्यादा प्रिफर करती हूँ एलेटीन वाला। और इसको सच बताऊं जैसे 3-in-1 वाला काम करती हूँ मैं, इसको रख लेती हूँ कोई भी टिंटेड, मैं जो भी लिक्विड ब्लश मेरे पास है वो मैं रखती हूँ, एज अ ब्लश रखती हूँ, एज आई शेडो रखती हूँ, एज अ लिपस्टिक, मैं तीनों यूज कर लेती हूँ। इससे मुझे टिंटेड ब्लशेस बहुत ज्यादा, टिंटेड मुझे इसलिए पसंद है, मैं 3-in-1 यूज करती हूँ, दैट्स इट। और रखने में जैसे आप देखो इसमें कहीं भी गिरने का कुछ भी खतरा नहीं है कि हाँ गिर जाएगा पर्स में, मेल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये। और इसकी एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, मुझे जो बहुत अच्छी लगी इसकी ब्रश, ये देखो इसके ब्रश बहुत ही ज्यादा प्यारे है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इसको मैं, ये देखो कितना प्यारा सा कलर आ गया ना, एक लिपस्टिक के ऊपर आया बट कितना प्यारा कलर आया। चलो ठीक है, ये हो गई दोनों टिंट, बहुत अच्छी हैं जो आप एज अ लिपस्टिक यूज कर सकते हो, जो मैंने यूज करके दिखाया है। एज अ ब्लश तो आप यूज ही करोगे ब्लश को, एंड एज अ आई शेडो भी मैं यूज करती हूँ। एंड इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ब्लश लगाने टिंट वाले नहीं लगाते हो तो आपको पाउडर चाहिए, तो पाउडर में NYBA जो है ये पर्पल पे आपको मिल जाएगा इजिली, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है, बहुत ही प्यारा कलर है, जो कि आज मैंने इसी को लगा रखा था। ये देखो एकदम प्यारा वाला पिंक है। एंड इसको लगाने के लिए मैं ब्लश जो है अपने ऐसे ब्रश पे लेती हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो हट जाता है, और उसके बाद में लगा लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो लोग ज्यादा यूज नहीं करते टिंट वाला है, ज्यादा नहीं पता होता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि मुझे, या बहुत ज्यादा जो मेकअप नहीं करते उनको लगता है मुझे टिंट नहीं चाहिए, मुझे पाउडर बेस ही चाहिए, तो पाउडर बेस ये बहुत अच्छा है, NYBA का है, और शायद ही मुझे 250 के आसपास, 150-200 के आसपास मुझे मिला था जो मुझे पता है। तो इसका जो कलर है थोड़ा सा पिंकिश ऑरेंजिस करके है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं बहुत लाइट लगाती हूँ, बस मेरी एक ट्रिक ये है, मैं लाइट इसलिए लगाती हूँ, पहले मैं हैंड पे ऐसे करती हूँ जो ब्रश में लगा होता है, उसके बाद ब्रश को अपनी चीक्स पे अच्छे से लगाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद जब हाइलाइटर लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा, कभी कभी क्या होता है ऐसे लगाया और ऐसे ऐसे आईज पे लगा के और हल्का सा नोज के आसपास यहाँ लगा के, एंड इसको रिमूव कर देते हैं और वो लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बिना ब्लश के आपका मेकअप अधूरा लगता है, चाहे आप हल्का ही लगाओ पर ब्लश लगाओगे मेकअप तभी कंप्लीट होगा। अगर आप बिगिनर हो तो शायद आपको टिंट लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मत लो, तो आप पाउडर बेस कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, आप अच्छा भी लगता हो और आपकी पर्स को भी अच्छा लगता हो, आपके बजट में आता हो। सबसे बड़ी चीज किसी का देख कर कभी भी मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लेती, लोग 10-10, 15-15 हजार वाली चीजें लगाते हैं, बट मुझे अपनी पर्स का भी बजट देखना, मतलब अपना बजट देखना है, एंड सेकेंड चीज मुझे देखना है कि क्या मेरे ऊपर सूट करेगा, क्या मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं इसको लगा सकती हूं, तो वो देखना होता है। अगर टिंटेड लेना है बजट में तो एलेटीन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेना है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लेना है या वैसा, तो आपको ये वाला बहुत अच्छा स्वीट चीक्स वाला आपको नायका पे इजिली मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट बहुत अच्छा होता है। तो बिना ब्लश के तो आपका मेकअप अधूरा है, तो ब्लश तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। बस आज जैसे मैंने गुलाबी गुलाबी गाल की ऐसे आप करो, मेकअप में हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये भी है। तो बस चलिए, कैसा लगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जिन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट की थी टिंटेड वाला, तो उनके लिए मैंने स्पेशली बना दिया वीडियो। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।